जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएं कि डॉक्टर आमिर लियाकत की जो डेथ हुई है उसकी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ पाकिस्तानी एक्स मॉडल लेट मॉडल कंदील बलोच से मिलती जुलती हैं, बल्कि इनका लाइफस्टाइल जो है वो भी काफ़ी मिलता जुलता रहा है। इसमें आप इसको कोइंसिडेंस कहें या क्या कहें, आई डोंट नो, बट ये एक फैक्ट है। कंदील बलोच ने भी मीडिया में आने से पहले ये बात की थी और ये बाद में इंकशाफ किया था कि वो नाते पढ़ने की नीयत से आ रही थी। वो और बात है कि नाते रिकॉर्डिंग थी और टेलीकास्ट नहीं हो पाई थी, जिस पे उनको काफ़ी दुख था। और उन्होंने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने अपना फेसबुक इंस्टा यूट्यूब वो अकाउंट बनाए ताकि उससे उन्हें शोहरत मिल सके। शी देन टर्न इन टू मॉडलिंग एंड शी वॉज डूइंग हर ओन वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड दैट गेन पॉपुलैरिटी। Whereas Amir Liaquat, he started with the talk show, like Islamic show, Alim Online, and then he started transitioning into morning shows, Ramadan shows, and other miscellaneous shows that were not exactly Islamic. So it is pretty similar to what Kandil Baloch did. Both figures were extremely controversial. Kandil Baloch, because of her bold attitude and liberal lifestyle, a little rebellious, naughty. आमिर लियाकत का भी ये है कि पहले इस्लामिक उन्होंने इम्प्रेशन बनाया, उसके बाद फिर वो ट्रांजिशन होके दूसरे अपने रिबेलियस अदर देन इस्लामिक साइड पे चले गए। कंदील की शोबिज़ में एंट्री में ये इनिशियल क्लिप है। कैसी हो? मुबारक हो। गेम समझ के चल रही थी, बिकॉज लड़कियां पता नहीं क्यों ऐसे ज्यादा अपनी अपनी में पड़ी हुई हैं, पर्सनल ले रही हैं हर चीज को, वो पर्सनल ले रही हैं, मतलब गेम को गेम नहीं समझ रही। इस शो के बाद उन्होंने मॉडलिंग की, वीडियोस बनाए और अपनी यूट्यूब वीडियो से वो काफी पॉपुलर हुई। करूं लेकिन माइंड पे इतना स्ट्रेस नहीं है कि बस विन करना है विन करना है विन करना है, और जब मैं विन नहीं करूंगी उसके बाद फिर मेरा दिल दुखेगा, मैं हर्ट होंगी, तो फिर मैं इस तरह बिल्कुल भी सोच के नहीं। द नेक्स्ट थिंग इन कॉमन इन बोथ ऑफ देम वाज इमरान खान। और फिर दरवाजा बंद हो गया। किसी ने तसल्ली दी तो किसी ने टाल दिया। नहीं वो हक साहब से बात कर रहे हैं। नहीं वो किधर है? वो इस्लामाबाद में, आप उनसे बात कर रहे हैं। मैंने इतना खर्चा किया, इतना स्पेंड किया, पिछले इतने दिन से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, किसके लिए आई हूँ? इमरान खान साहब के लिए आई हूँ ना। कंदील को कप्तान से मुलाकात का अरमान बेचैन करने लगा। शादी करें या ना करें वो बात की बात है, लेकिन एक दफा मुझसे मिले तो सही ना, मुझसे बात तो करें। मुझे इमरान खान साहब के लिए यहाँ पे कुछ लिखना है, मुझे पेंसिल चाहिए। खान साहब को मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। खान साहब पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इन दोनों की कंट्रोवर्सी चलती गई, कंदील बलोच की मॉडलिंग और बोल्डनेस की वजह से और डॉक्टर आमिर लियाकत की आउटस्पोकन एटीट्यूड की वजह से। फिर दोनों इमरान खान के खिलाफ भी बोले। That time I was in Dubai, तो रिंग उन्होंने पहनी हुई थी और किसी ने कहा था कि वो थर्ड मैरिज कर रहे हैं और कोई आ गई खान साहब की लाइफ में, तो जब मैंने पता चलवाया उस बात का, तो मुझे पता चला कि बन्नी गाला में एक खातून रहती है, उनका नाम है पिंकी। अच्छा। और जो पिंकी है पुराने MNA की जो है वो बहू है। ओके। और वो जो MNA है वो खान साहब के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। और पिंकी आंटी क्या करती हैं? वो ये करती हैं कि लोगों को दम दरूद करती हैं और लोगों की वो जो होती है कुछ इस तरह के मसले मसाइल वो हल करती हैं। तो मुझे पता चला है कि खान साहब आजकल उनके पास बड़ा जा रहे दम दरूद करवाने के लिए, और वो जो अंगूठी थी इसकी पत्थर की वो भी उसी औरत ने उनको दी थी। तो आप बनी गाला जाना चाह रही हैं? नहीं, मेरा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ कहना चाहती हूँ खान साहब को। जरूर कह दीजिए भाई जरा। मैं ये कहना चाहती हूँ खान साहब, मुझे सारा पता है आप कहाँ जा रहे हैं आजकल, किसके पास जा रहे हैं दम दरूद करवाने के लिए, मेरे पास सारी रिपोर्ट है। तो आप क्या समझते हैं कि आप ये रिंग पहन के पत्थर पहन के आप क्या समझते हैं कि आपकी वो जो किस्मत है वो बदल जाएगी? मैं खान साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं, गद्दार नहीं है हम लोग, गद्दार नहीं है। आपने अराकीन कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है, और मुझे, मैं तो था भी नहीं वोटिंग में, मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे, मैंने तो वोट दिया ही नहीं।
और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा, अब दूंगा, कल तक तुम्हारे साथ था, अब उनके साथ होंगे जो गद्दार नहीं है। और भी बहुत कुछ जानता हूं, अगर बता दिया तो क्या बता जाएगी। चुप बैठा हो, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे, तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत जाली खत दिखाता रहे। जाली खत है वो, जाल को जाली खत है, लिखाया गया वो खत आसर साहब से, और शाह महमूद कुरैशी इसमें शामिल है। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ खासतौर पर कि जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया। अब ये मत कह देना मैं उसके साथ मिला हूँ। गंदीन पुलवच का ये हुआ कि उन्होंने मौलाना मुफ्ती कवि से मुलाकात की, जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में हुई। उसके बाद फिर कोई रिटेलिएशन हुई, उनकी वीडियोस और सॉरी फोटोज लीक हुई, जिसमें उनके एक्स हस्बैंड के साथ उनकी शादी का पता लगा कि कोई भी थी, और आमिर लियाकत जो है उनकी जो वाइफ थी दानिया शाह, उन्होंने नाजेबा उनकी वीडियो रिलीज़ की। दोनों का ये हुआ कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में है, और फिर वही कॉन्ट्रोवर्सी अनफॉर्चुनेटली दोनों को ले बैठी। एंड में यही है कि इंसान का एंड यही होता है कि अल्लाह ताला के पास जाता है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इस वीडियो पे अपना भी ख्याल जो है वो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, ताकि पता लगे बाकी लोगों को भी कोई इसमें सिमिलरिटी लगी है कि नहीं, ये महज इतफाक है। बस इसी तरह ही है कि एक दिन कंदील बलोच की खबर आई और यकीन नहीं हुआ कि उनका मर्डर हो गया, और डॉक्टर आमिर लियाकत का भी यही है कि ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड वो न्यूज़ आई जिसमें डाउट था कि ये सच है या झूठ है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सच निकला। दोनों को अल्लाह ताला मग़फ़रत अता करे और उन दोनों के गुनाह माफ़ हों, और हम यही है कि दुआ कर सकते हैं। शुक्रिया।